नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 111वां दिन है और नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 111वां दिन है और सुबह के 10:11 पे हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। हम रात्रि में यहाँ पे हनुमान मंदिर उदयपुर में रुके थे और अब यहाँ से तकरीबन सीधा 10 किलोमीटर के बाद में राधा कृष्ण मंदिर है। तो आप ये समझ लीजिए कि बीच में आपको कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे ग्रामवासियों ने मुझे बताया है। धूप थोड़ी निकल चुकी है और मौसम में गर्माहट बननी शुरू हो गई है, लेकिन हम बिल्कुल आनंद में और बिल्कुल मैया के साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। देखिए होली का वक्त आ गया है तो आपको पिचकारियाँ भी अब देखने को मिलेंगी साथ में। तो हम होली कहाँ बनाने वाले हैं ये भी एक मुख्य बात रहेगी कि होली किस स्थान पे हमारी बनने वाली है। मैं आप लोगों को भी पहले से ही होली की बधाइयाँ दे देता हूँ और आप लोग होली को लेके भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए परिक्रमा में आनंद पूर्वक आगे बढ़ते हैं और आनंद में रहते हैं। नर्मदे हर। देखिए मार्ग बहुत ही बेहतरीन है, दोनों तरफ में इतने घने जंगल और इतने बड़े बड़े पेड़, और ये सड़क मार्ग जिसके ऊपर गाड़ियों की रफ्तार तकरीबन 100 से तो अधिक लग रही है क्योंकि बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो आपको थोड़ी सी सावधानी से यहाँ पे चलते रहना रहेगा, लेकिन बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ के आनंद में। देखिए मैं आपको फिर से दोनों तरफ के जंगल बताता हूँ और फिर हमारी आज की परिक्रमा की चर्चा शुरू करते हैं। ऐसे सूखे वृक्षों में बीच में आपको अगर लाल पत्ते नज़र आते हैं तो बड़ा ही अलग सा एक रंग और प्रकृति का ये सौंदर्य दृश्य। इस तरफ में भी देखिए ऐसे वृक्षों के बीच में बहुत सारे बंदर हैं, आपको ज़रा संभल के चलना रहेगा। तो वक्त हुआ है 10:55 और अभी तक हमने परिक्रमा दूरी 3 किलोमीटर की तय करी है। हालांकि ऐसा कोई थकान जैसा महसूस हो नहीं रहा है और ना ही तेज धूप लग रही, क्योंकि ये घना जंगल आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास होने नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे लगा कि कुछ वक्त हमें बैठ के आनंद लेना चाहिए, आते जाते ट्रैफिक को निहारना चाहिए और थोड़ा सा मैया का यहाँ से ध्यान करना चाहिए। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए इस वातावरण में और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा था साथ ही में कि कल जब मैं यहाँ ग्राम में पहुँचा और रामनिवास जी जो है, कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा उदयपुर गांव में, राम कुमार साहू जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर के बाहर ही, और उन्होंने वहीं पे हमें रोक लिया और उनसे मेरी चर्चा हुई। वे बेहद ही दुखी महसूस कर रहे थे अपने आप को और उनके साथ में काफ़ी ग्रामवासी भी। उनका कहना था कि 1000 में से सिर्फ 25 परिक्रमावासी इस मंडला मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि वो यहाँ पे होते हुए भी परिक्रमावासियों को सेवा नहीं दे पाते, क्योंकि ग्रामवासी पीछे वाले मार्ग से ही सीधा अमरकंटक के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों का ये प्रेम भाव देख के मन एकदम से भर आया था। आप मानेंगे नहीं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मार्ग के अंदर मुझे 2 ग्रामवासियों ने बोला कि महाराज आप मंदिर पर रुकिएगा, हम आपसे मिलने आएंगे, और वे वहाँ पे मेरे भोजन की व्यवस्था करने वाले थे। और जब मैं राम कुमार साहू जी से मिला और उन्होंने भी मेरे लिए अपने घर पे भोजन की व्यवस्था कर रखी थी, और उसी वक्त में एक और फ़ोन उनके पास में आया और वो पूछ रहे थे कि आज कोई परिक्रमावासी आए या नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक परिक्रमावासी आज आए हैं, अभी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज का भोजन उनका हमारे यहाँ पे होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे घर पे नहीं करा कि आपके घर पे कराता हूँ, मैंने अभी 2 दिन पहले कराया था। तो किस तरह से पूरे ग्रामवासी यहाँ पे सेवा देने के लिए उत्सुक रहते हैं और
इतना प्रेम भाव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वो बिल्कुल बस आपके इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हैं, और उनको बहुत दुख है कि अधिकतम परिक्रमवासी वहाँ से क्यों चले जाते हैं, जबकि पुराना जो मार्ग है वो ये मार्ग है, तो यहाँ से होके जाए तो उन्हें भी सेवा का मौका मिलेगा। मतलब मैं बता नहीं सकता ये कैसे पल थे जब मैं उनको सुन रहा था इतने प्रेम भाव से, और उनका दुख और प्रेम दोनों एक साथ झलक के सामने आ रहा था। तो चलिए हम यहीं से परिक्रमा में फिर आगे आनंद में बढ़ते हैं और आनंद में रहते हैं मैया के साथ। नर्मदे हर। चलो यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करा जाए। देखो महाराज लोग आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझसे बात नहीं करेंगे, हम बुरे हैं। नहीं 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 क्या, अरे कहाँ बात कर रहे हो आप हमसे, इतनी देर से बैठे हैं हम। अरे चाय पिलाने की जरूरत है बात करने के लिए, वो तो वैसे भी कर सकते हैं। और कैसे चल रहा है? ठीक है। बेड़ी में आनंद आता है क्या? बीमारी है सब बना के रखे हैं। बीमारी में सब पता तो सब है आपको, है ना? सब पता है। सब पता है। क्या करोगे यार, ये मानो माउंटेन नहीं है तो जाए तो कहाँ जाए। वाह वाह वाह, दिल है कि मानता नहीं, है ना? बढ़िया, चलो मिलकर आनंद आया। 11:34 और 5 मिनट के विश्राम के बाद में हम ग्राम पंचायत दुदुआ के सामने से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए कि आपको बता दें कि वन प्राणियों को किसी प्रकार का खाद्य सामग्री खिलाना कानूनी अपराध है। तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि बंदर भगवान का रूप है और उनको कुछ खिलाएंगे तो आपको पुण्य मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो वन्य प्राणी है, उन्हें वन में रहना बहुत अच्छे से आता है, आपके खिलाने नहीं खिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कानूनी अपराध ना करें, उन्हें अपना जीवन अपने तरीके से जीने दें, उनकी आदतें ना बिगाड़ें और अपनी आदतें ना सुधारें। नर्मदे हर। चलते हुए वाहनों से बंदरों को कुछ फेंक कर खिलाने से बंदरों की आदतों में ये आ जाएगा कि कोई भी वाहन रुका हो या कोई व्यक्ति रुका हो तो उन्हें कुछ खिलाने के लिए रुका है, जिसके कारण बंदर हाईवे पे तेज गति से कूदते हुए आएंगे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाएं उससे बढ़ जाएंगी।
यहाँ पे तेज हवा चलते हुए और हवा की वजह से आकाश में पत्ते और ये पॉलिथीन उड़ते हुए। दोपहर के 12:15 और अभी तक हमने हनुमान मंदिर से यहाँ 6.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। मेरे पीछे की तरफ आप पेट्रोल पंप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको फिर से थोड़ा पानी वगैरह मिल जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पे विश्राम करके फिर आप परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह मैया के साथ साथ नर्मदे हर। दोपहर के 12:24 और सही 8.5 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग पहुँच गए श्री राधा कृष्ण मंदिर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके लिए भोजन व्यवस्था भी रहेगी और रुकने की भी व्यवस्था। चलिए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये मंदिर और आश्रम आपको दिखाता हूँ। दोपहर के 3 बजे और राधा कृष्ण मंदिर से हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपने भोजन प्रसादी लिए और काफ़ी वक्त यहाँ पे विश्राम करा। विश्राम करने के बाद में आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका पहले शहर शुरू होगा और उसके बाद में शहर में से गुजरने के बाद में फिर से शायद सड़क मार्ग पर जंगल मार्ग शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहीं परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं और यहाँ का ये शहर भी देखते हैं। तो यहाँ से नारायणगंज 20 किलोमीटर की दूरी पे और मंडला 55 किलोमीटर की दूरी पे। देखिए हमने परिक्रमा शुरू ही करी थी कि यहाँ पे हमें महाराज मिल गए बल्लू नंदन महाराज जी, और इन्होंने बड़े प्रेम से हमें चाय और बिस्किट खिलाया। यहाँ पे आपको काली चाय भी मिल जाएगी नींबू डाल के, अगर आपको वो भी पसंद है तो वो भी यहाँ मिलेगी। महाराज आपने हमारे परिक्रमा का प्रारंभ भी चाय से करवाया, नर्मदे नर्मदे। तो चलिए यूं ही परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे शक्करकंदी इतनी मोटी और इसको उबाल के बेचा जा रहा है, बहुत बढ़िया। होली के पर्व की तैयारी और बाजार में बिल्कुल रौनक बनी हुई है। तीन बजकर 37 मिनट और हम लोग बीचा डांडी गांव से अब बाहर निकल चुके हैं। तो तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट हमको लगे अंदर गांव में, और सब्जी मंडी से हमने थोड़ा सा फल ले लिए और शक्करकंदी ले ली है। तो अगर रात्रि में हमें कहीं पे भोजन व्यवस्था नहीं मिली तो फलों से हमारा काम हो जाएगा और रात्रि में हम कहीं पे भी सो जाएंगे। तो यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी के बाद में बता रहे हैं कि आश्रम आएगा। बीच में छोटे छोटे गांव आएंगे लेकिन पूरा आगे जंगल मार्ग है, ऐसा फिर से एक ग्रामवासी ने अभी मुझे बताया। और चलते हम बिल्कुल आनंद में, जो भी होगा देखा जाएगा। मैया हमारे साथ में और हम पूर्ण रूप से आनंद में हैं। बने रहिए यहीं आनंद में और आनंद लेते हैं अब जंगल मार्ग का। नर्मदे हर। तो महाराज कल मुझे राम मंदिर पे मिले थे और रात्रि में मिलने आए थे, भोजन व्यवस्था महाराज ने करी थी लेकिन मैया का भी फोन आ गया था तो मैया ने भोजन घर पे करवा दिया और अभी महाराज से भी मिलना हुआ। टीचर हैं और अभी
गवर्नमेंट की वोटिंग होने वाली है तो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। हाँ, मंडला से आ रहे हैं चुनाव ड्यूटी से। चुनाव ड्यूटी से मैसेज दे दीजिए कि वोट सब डाल रहे हैं। सभी लोग मतदान करें, मतदान आपका हक है ना, सब लोग वोटिंग करें। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। पूरा टीचर्सों का टीम नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारा जंगल मार्ग फिर से शुरू हो गया। जब भी आपको ये पता चलता है कि आपकी दूरी ज़्यादा है और आपके पास वक्त कम है तो आपकी गति खुद ब खुद तेज़ होने लग जाती है और जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान ज़्यादा होने लगती है क्योंकि मानसिक थकान भी एक तरह से काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में आपको चलते समय दूर से ही निशाना बना लेना चाहिए कि आपको कौन से स्थान पर आप विश्राम करना है और जैसे आप उस स्थान पर पहुँचे तो जल्दी से जल्दी अपना सामान को उतार के हल्के हो जाएँ और बिल्कुल रिलैक्स फील करें। अपने फूड को इंटेक करना शुरू करें और बिल्कुल आनंद में खाइए। बिल्कुल भी मत सोचिए अब आपको चलना है, बिल्कुल शरीर को और मानसिक रूप से बिल्कुल थकान को भूल जाइए और सोचिए कि आपको बस यहीं पे आराम करना है। जितना आराम आपको 15 मिनट में मिलना है उतना आराम आपको 2-3 मिनट में मिल जाएगा। आप अपना हल्का सा फलाह करिए, थोड़ा सा पानी पिए और उसके बाद में वापस परिक्रमा में आनंद में बढ़िए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। धनवाई गांव है। नर्मदे हर। देखिए दूसरा विश्राम स्थल जहाँ बैठ के थोड़ी देर विराम कर सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज से फिर मिलना हो गया। अभी रात्रि में इनके यहीं भोजन करा था मंदिर में, रात्रि परिक्रमा मार्ग में हम फिर मिल गए हैं। कुछ बताइए महाराज कहाँ से आ रहे हैं? रात्रि हम तो मंडला गए थे। हाँ। तो जाते समय भी आपको देखे थे मगर हमें पीछे से नजर पड़ी। अच्छा। तो हम फिर निकल गए, नहीं रुक पाए, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। अरे कोई बात नहीं। फिर वापसी हम बेचारा हमारे पास अभी सर का फोन आया कि वो हमें यहाँ कालकी और विजय गांधी के बीच में मिले थे। अच्छा। तो मेरे को ये एड्रेस दिया था, वहाँ से हम देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं महाराज हमें मिलेंगे। आप लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। नर्मदे हर। पाँच बजकर 25 मिनट और तकरीबन 10 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे सूर्यास्त भी देख रहा हूँ, साथ में थोड़े फल भी मैंने खाए और प्रकृति का आनंद लेते हुए। हालांकि थोड़ा आगे बढ़ना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा विश्राम करना भी ज़रूरी था और थोड़ा शांति में बैठ के इस जंगल को निहारना भी ज़रूरी था। देखिए सामने का जो दृश्य है और पीछे का जो दृश्य है, पक्षियों के वृक्ष चहचहाने की आवाज है। चलिए इस स्थान को अब अलविदा कहते हैं और परिक्रमा मार्ग में वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं।
शाम के 5:58 और यहाँ मैं इस पुल पे थोड़ी सी देर विश्राम करते हुए सहारा लेके, और पीछे की तरफ आप सूर्यास्त देख सकते हैं और सामने की तरफ में आपको चंद्रमा नजर आएगा। हम पहुंच गए हैं कालपी, और मंडला जाने के लिए आप सीधा मार्ग रखें और निवास जाने के लिए आप लेफ्ट हैंड को मुड़ जाएं। छः 6:24 हुए हैं और हमने चाय अपनी साथ में ले ली है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीछे गांव से बाहर हम निकल चुके हैं और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है, जहां पे परिक्रमा वर्षी रुकते हैं ऐसा बताया गया है। चलिए हम बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। शाम के 6:50 हो गए हैं और मैं इस घने जंगल में अकेले चलते हुए अभी भी बिल्कुल आनंद में। आज हम सूर्यास्त के बाद में अपने स्थान पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस वक्त में भी चलने का अपना एक आनंद है। आज पहली बार इस आनंद की प्राप्ति होगी। पक्षियों की हल्की सी चहचहाट आ रही है और चारों तरफ घना जंगल। नर्मदे हर, देखिए चांदनी रात और सामने अपना मार्ग, और ये आ गई हमारी मंजिल। जंगल मार्ग में आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ में। नर्मदे हर।